चैनल। तो गाइज मैं आज आपको बताता हूँ कि मतलब इसमें मैंने क्या जीपीएस का लगवा लिया है। जीपीएस पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो तो आपने देख ली होगी, तो मैं बताता हूँ आपको कि जीपीएस कैसे यूज किया जाता है, जीपीएस का कौन सा फंक्शन है। तो ये देखो इसमें सी ट्रैक है, ये सी ट्रैक एक जीपीएस है, वो मैंने जो मंगवाया था तो उसका ये एप्लीकेशन है। तो ये डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड और इंस्टॉलिंग, और ये गाड़ी में भी है, गाड़ी में इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे अंदर इसमें सीट में। तो इसमें जैसे जैसे अब ये ऑन है, इधर नजदीक इधर देखो, अब जैसे ये ऑन है ना, यहाँ पे ऑन है। अब इधर देखो, अब जैसे ये फ़ोन में ये मेरे गाड़ी का नंबर है, और ये क्या पहले रजिस्टर किया हुआ है वहाँ पे जीपीएस के, वो व्हाट्सएप के थ्रू मैंने उसको वहाँ पे भेजा था, इसमें क्या नंबर आते हैं। अब इसमें ये फंक्शन है ये सारे देखो, एक तो ये शेयर कर सकते हैं, मैप का दिखाते हैं, और ये पी है पार्किंग है इंजन का, और ये कॉलिंग का। अब एक एक फंक्शन दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले वो गाड़ी ऑन है, अब ऑन है तो देखो यहाँ से जैसे ये है लॉक का मतलब ये इंजन का, इंजन ऑन और ऑफ। इंजन अगर ऑफ कर दूंगा तो देखो सेंडिंग सक्सेसफुल सेंड कमांड टू सर्वर, सर्वर को मतलब पहुँच गया। अब देखो थोड़ी देर में इंजन है ना ऑफ हो जाएगा अपने आप ही, मतलब ये क्या चालू है लेकिन फिर वो देखो ऑफ हो गया। देखो दिखाओ, देखो ऑन है जबकि चाबी ऑन है लेकिन ऑफ हो गया। तो अब इसको वापस ऑन करना है तो देखो यहीं से ही इंजन ऑन कर देता हूँ। अब देखो वहीं पे देखना, देखो ऑटोमेटिक आ गया है ना अपने आप ही। तो ये है जैसे आपने कहीं, अब जैसे ये पार्किंग है, पार्किंग इनेबल पार्किंग, अगर इनेबल कर देंगे तो इसका मतलब ये गाड़ी रखी हुई है। अगर इसको जैसे गाड़ी को कोई ना पार्किंग से जैसे हटाएगा, अब तो चलो ये ऑन है लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा यूँ आगे लेके तो इसमें क्या आवाज़ आती है, जैसे इधर उधर हटाएंगे ना तो इसमें क्या एक मैसेज आता है, वो मैसेज मैं इसमें दिखा दूँगा। देखो मैसेज ऐसे आते हैं, इसमें अलार्म सिस्टम आता है कि आपकी पार्किंग के साथ आ गया है, आपका तो आ नहीं रहा पहले वाले हैं। अच्छा इसमें नहीं आएगा, वो इसी में आएगा एप्लीकेशन में। अभी तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो क्या ये चालू है इसलिए ना। और फिर इसमें मैप का सिस्टम दिखाता हूँ, देखो ये है मैप। तो मैप में अभी ये गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब जैसे ये तो आज का है, लेकिन अब जैसे इसमें ये रूट का, ये जो अब रूट का अपन देख सकते हैं टूडे यस्टरडे दिस वीक लास्ट डे, तो अपन को जैसे कल का यस्टरडे देखना है तो यस्टरडे के देखो अपन इसमें देख सकते हैं। जैसे ये है ना, ये पूरी एक वीडियो है, एक तरीका से वीडियो आती है इसमें पूरी, यहाँ तक की वीडियो में है कि सुबह मतलब रात को 12 ये है ना 12:01 से गाड़ी चली है कहाँ से कहाँ तक। देखो गाड़ी ऐसे दिखाती है पूरी लाइन वाइज, इसको और जूम भी कर सकते हो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो पहले यहाँ से यहाँ चली, फिर एक, फिर दो, मतलब इस तरीके से। तो ये शाम तक, तो कल शाम को जैसे या रात को 12 बजे तक कहाँ थी लास्ट वीडियो, जैसे ये है ना ये वीडियो ऐसे चलती जाए लास्ट यहाँ है, यहाँ रुकी स्टॉपेज, यहाँ हुआ स्टॉपेज मेरे गांव हुआ क्योंकि कल मैं शाम को जल्दी आ गया था। तो ये लास्ट स्टॉपेज है यहाँ पे 7 बजे गाड़ी यहाँ थी और सबसे 7:45 पे थी। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन। उसके बाद मैप में आपने देख लिया, फिर अब इसमें और क्या फंक्शन ये है, जैसे इसमें देख सकते हैं समरी रिपोर्ट और इग्निशन रिपोर्ट, एसी रिपोर्ट, जैसे ये तो कार के लिए भाई एसी कितनी देर चालू हुई कितनी बंद रखी, और ट्रिप रिपोर्ट, रूट रिपोर्ट, पोजीशन रिपोर्ट। पोजीशन रिपोर्ट में ये है कि मतलब कितने बजे तक, हर एक मिनट की वीडियो बताता है कि हर एक मिनट में कि कहाँ रुकती है क्या है। देखो ये व्यूज में देखता हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा, ये बड़ा अलग फंक्शन है, ये रखे सोइए सही आएगा। ये देखो ये आप ये देख सकते हो 12 मतलब जैसे ये हो गया RJ34 का, ये 28/8/2022 12 बजे से, और यहाँ से कब स्टार्ट हुई है गाड़ी 7:45 पे, ये एंडिंग थी शाम को, और जैसे ये 7:45 फिर ये 7:42 ये मॉर्निंग की है। तो इस तरीके से ये मतलब पूरे दिन की है, हर एक मिनट की है, एक एक मिनट में कहाँ गाड़ी रुकी और कहाँ थी एग्जैक्टली कौन सी जगह। तो ये बहुत सारे फंक्शन है इसमें, तो ये मतलब ये एक तरीके से बहुत अच्छा वो है, जैसे अपन गाड़ी को कहीं भी रख देते हैं तो रखने के बाद है ना बेफिक्र होके मैं तो है ना ऐसे चाबी को बंद करके और चल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें फंक्शन जाके तुरंत ही इंजन ऑफ कर देता हूँ, इंजन ऑफ करते ही अपने आप ही गाड़ी किसी को चालू ही नहीं होगी, चाहे ऑन कर लो कितना भी कर लो।
तो यही दिखाना था मुझे। बाकी जीपीएस लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा अगर आपको परचेज करनी हो तो। और बाकी थैंक यू सो मच, अगर चैनल अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।